नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो इनवाइट पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और आनंद में होंगे। आप सभी दर्शकों का स्वागत और अभिनंदन। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं। और अब शुरू करते हैं आज के विषय को। यह विषय कुंभ राशि वाले जातक जातिकाओं के जीवन से जुड़ा हुआ है। कुछ गलतियों की वजह से कुंभ राशि वाले लोग पीछे रह जाते हैं और आपकी उंगली पकड़ने वाले लोग आगे निकल जाते हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ गलतियों के बारे में बात करेंगे जो आप करते हैं, या तो आप उसमें सुधार ले आइए तो ही आपके जीवन में तरक्की का मार्ग और बढ़िया तरीके से खुलेगा। इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें कमियां ना हो, जिसने गलतियां ना की हो, लेकिन जब गलतियां आपकी आदत हो जाती हैं तो वह अधिक हानि पहुंचाती हैं। आज हम आपकी कुछ गलतियों के विषय में बात करने वाले हैं। आज हम आपके जीवन से जुड़ी हुई कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। शायद आपको यह बात पसंद नहीं आएगी, किसी को भी अपनी गलतियां सुनना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है आपको बताना, मैं आपको बताऊंगा। और सुनकर जानकर यदि आपने सुधार लिया तो निश्चित तौर पर आज नहीं तो कल इस वीडियो को आप धन्यवाद जरूर करेंगे। लेकिन आप अपनी गलतियों को सुधारेंगे कैसे, उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप गलतियां करते क्या हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आपकी गलतियां और कमजोरियों का फायदा उठाकर लोग आगे निकल जाते हैं और आप हाथ पलते रह जाते हैं। तो पहली गलती आप क्या करते हैं, आप सभी कुंभ राशि वाले जातक जातिका मानवीय गुणों से भरे होते हैं। आप बहुत ईमानदार होते हैं, धैर्यवान होते हैं और कोमल हृदय के होते हैं। और आज के वक्त में जरूरत से ज्यादा ईमानदारी हमेशा नुकसान देती है। और आपका कोमल हृदय, आप किसी की भी बातों में आ जाते हैं, आप किसी की भी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं और दूसरे के दुख को अपना दुख समझ लेते हैं। दूसरे के दुख को अपना दुख समझना बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी जालसाज के दुख को, जो आपको धोखा दे रहा है, उसके दुख को अपना दुख समझकर धोखा खाना बुरी बात है, जिस वजह से आपको नुकसान होता है, लोग आपका फायदा उठा लेते हैं। आपके अच्छे मन की, आपकी अच्छी सोच की कद्र सामने वाले को नहीं होती है, वह बस अपना कोई इरादा या मकसद पूरा करना चाहता या चाहती है। आपकी अच्छाई, जिससे आपको तारीफ मिलनी चाहिए, तरक्की मिलनी चाहिए, वही सबसे ज्यादा बाधित कर देती है आपकी सफलता के द्वार को। क्योंकि जब भी कोई आपके सामने समस्या लेके आता है, आप पूरी कोशिश नहीं करते हैं जानने की, समझने की कि यह व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, बस उसके झूठे आंसुओं पर भी आप यकीन करके उसकी बात को मान लेते हैं और अपना वक्त, पैसा, समय बर्बाद करते हैं और आपकी सहायता से वो व्यक्ति, महिला हो या पुरुष हो, आगे निकल जाता है और आप धोखा खा जाते हैं। तो थोड़ा समझिए, जानिए कि सामने वाला व्यक्ति कितना सच बोल रहा है। बहुत जल्दी भावुक मत हो जाइए, यानी आपकी ईमानदारी और भावुकता ही आपकी कामयाबी में एक रोड़ा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप ईमानदारी छोड़ दें, सजग रहिए और अच्छे बुरे की पहचान को समझने का थोड़ा सा ध्यान दीजिए। नंबर दो, आपके अंदर अनेक ऐसे गुण हैं जो अन्य राशि के जातक या जातिकाओं के अंदर नहीं हैं। बस आप में और उनमें फर्क क्या है कि आप अपने गुणों को ना बता पाते हैं ना दिखा पाते हैं, आप बस अपने आप में मस्त रहते हैं। यानी कि ये जो दुनिया है, ये जो कलयुग है, इसमें दिखाना और बताना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी राशि वाले कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ बता देते हैं। यदि आप नौकरी में हैं तो वो लोग अपने, आपके सीनियर्स जो हैं, उनको बहुत चीजें ऐसी बता देते हैं जिससे वो प्रसन्न हो जाते हैं या उनके मन की बात करते हैं। आप सिर्फ अपने काम में व्यस्त रहते हैं। काम आपको सफलता जरूर दिलाता है, लेकिन बहुत ज्यादा सफलता नहीं दिलाता है, क्योंकि आज की डेट में काम के साथ साथ चतुराई भी बहुत आवश्यक है। आप काम करने वाले लोग होंगे, लेकिन दूसरी राशि वाले लोग जो कुछ होंगे, जो डींगे हांकने वाले होंगे, कम काम करेंगे लेकिन चतुराई से काम करेंगे। आप दिन रात काम करेंगे,
तो यह जो चतुराई की कमी होना, तेज तर्रार ना होना आपकी कमी है, वक्त के साथ आपको चलना पड़ेगा। इस कमी को सुधार लीजिए, आप बहुत 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 ज्यादा सफल हो जाएंगे और सभी से आगे निकल जाएंगे, क्योंकि आपके काम के बल पर ही दूसरे लोग आगे निकल जाते हैं। आप ऑफिस में बैठकर पेन और पेंसिल और लैपटॉप पे ही अपनी आंखें गड़ो के रखते हैं, आप काम करते हैं, दूसरे लोग बातों से चतुराई से बाजी मार के ले जाते हैं। एक उदाहरण देता हूं, फिल्म आपने बहुत देखी होंगी, एक फिल्म को बनाने के लिए डायरेक्टर होता है, म्यूजिक डायरेक्टर होता है, कहानीकार होता है। कहानी इस हर फिल्म की जान होती है, लेकिन कहानीकार को कौन जानता है, डायरेक्टर को कौन जानता है, गाने किसने लिखे फिल्म के कौन जानता है, लेकिन गाने गुनगुनाते सभी हैं। नाम किसका होता है, हीरो का जिसने एक्टिंग की है। नाम किसका होता है, हीरोइन का जिसने एक्टिंग की है। नाम किसका होता है, म्यूजिक डायरेक्टर का। राइटर बहुत पीछे रह जाता है, लेकिन वही बेस है। तो इसी तरीके से आप भी थोड़ी एक्टिंग लेके आइए, चतुराई लेके आइए, काम करिए, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करिए, तभी आपको अत्यधिक सफलता प्राप्त होगी। नंबर 3, आपकी बुद्धि बहुत तेज होती है, व्यापार के लिए आपकी राशि बहुत उपयुक्त है, आप लोग बहुत सफल होते हैं व्यापार में, नौकरी में, लेकिन आप अपनी तेज बुद्धि का प्रयोग काम में कम और लोगों की सहायता करने में ज्यादा करते हैं, और लोग आपकी सहायता लेकर आपसे आइडियाज लेकर आगे निकल जाते हैं और आप पीछे रह जाते हैं। आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, स्वयं के लिए मेहनत कम करते हैं, और जब वो लोग आगे निकल जाते हैं तो आपको थोड़ा बहुत पछतावा होता है, लेकिन आप सुधरते नहीं हैं। इसी सुधार को आपको इस वीडियो को देखने के बाद अपनाना होगा। आप दूसरों की सहायता करिए, लेकिन पहले खुद की तो कर लीजिए, अपने लिए वक्त निकालिए, फिर दूसरों की सहायता करिए। कहावत है, भूखे पेट तो राम भजन भी नहीं होता है। तो खाली पेट रहेंगे, खाली हाथ रहेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। आपका पेट भरा होगा फिर आप 10 लोगों का भला कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 4, आप अक्सर गलत मित्र या गलत जीवन साथी चुन लेते हैं, जिस कारण आपकी तरक्की बाधित होती है। आप मित्रों या साथी के साथ रहते हैं, लेकिन एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, और सही चुनाव ना होने की वजह से लड़ाई झगड़े वाद विवाद टेंशन होती रहती है। यह भी आपकी तरक्की में बाधा पैदा करता है। अब यदि आप एक बहुत तेज दौड़ने वाले महिला या पुरुष हैं और आपके साथ किसी लंगड़े व्यक्ति को दे दिया जाए कि आप उसकी उंगली पकड़ के दौड़िए, तो आपकी स्पीड भी धीरे हो जाएगी। तो आप ऐसे व्यक्तियों का चुनाव करिए जो आप जैसे हैं, भावुकता में, ईमानदारी में, जोश में। गलत निर्णय मत लीजिए, अपने जैसे लोगों के साथ ही आप दौड़ेंगे। अब दूसरा एक एग्जांपल भी दे देता हूं, क्योंकि उदाहरण से ही जल्दी समझ में आता है। एक ट्रक में एक तरफ ट्रक का पहिया लगा हो और एक तरफ स्कूटर का पहिया लगा दिया जाए, तो आप क्या उम्मीद करते हैं ट्रक की स्पीड क्या होगी? तो वही है, सही चुनाव, सही चीज। यदि सही निर्णय, सही चुनाव आपका हुआ मित्रता में, जीवन साथी में, साझेदारी में, तो आपकी तरक्की बहुत ज्यादा होगी। यहां पे भी आप लोग अक्सर गलती कर बैठते हैं। नंबर 5, कुंभ राशि के जातक जातिका मित्रों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मित्रों के लिए उनके दिल के दरवाजे और घर के दरवाजे और उनके पर्स के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। किसी ने जरा सी बात कही नहीं कि आप सारा काम छोड़ के पीछे लग गए। अब पहले गंभीरता को समझिए विषय की, कि क्या आपको वहां पे जाना चाहिए, क्या आपको उसकी मदद करनी चाहिए, क्या की नहीं करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको मदद नहीं करनी चाहिए, लेकिन जानिए कि सामने वाला क्यों मदद लेना चाहता है, सामने वाला क्यों आपके भी पास आया, बाकी अन्य लोगों के पास क्यों नहीं गया। सिर्फ आप ही उसके मित्र नहीं है, और भी 10 लोग हैं। वो क्यों आपके पास आया, क्योंकि उसे पता है कि आप बिना सोचे समझे पैसों से
या अन्य साधनों से उसकी हेल्प कर देंगे। दूसरे समझदार लोग हैं नहीं करेंगे, वो चार क्वेश्चन करेंगे, पूछेंगे भैया क्यों क्या कैसे हुआ, आप नहीं पूछेंगे, आप बस गिरते टपकते आंसू और मीठी और चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अपने पैसों का, अपने घर का, अपने घर के माहौल का भी सत्यानाश कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, किसी की सहायता करना, मैं फिर कहूंगा, बुरा नहीं है, लेकिन सही व्यक्ति की सहायता करना अच्छी बात है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो यह होती है, जब कोई गिड़गिड़ाता हुआ आपके पास आता है उसके लिए आप सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन जब आपको आवश्यकता पड़ेगी आप आजमा के देख लीजिएगा, शायद ही आपको कोई मदद मिल पाए। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो आज आपके साथ हैं, आज वो तरक्की कर गए, तो उसके बाद शायद कभी सालों में वर्षों में एक हाय हेलो आपकी हो जाती होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, आपकी उंगली पकड़कर लोग तरक्की कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है कि आपके अंदर वो काबिलियत है कि आपकी उंगली पकड़ी जा रही है, लेकिन ऐसा ना हो कि आपको पीछे करके लोग आगे निकल जाएं और आप पीछे रह जाएं, ये अच्छी बात नहीं है। और यही सुधार मैं आपके अंदर चाहता हूं। आप अपनी परेशानियों में अकेले होते हैं और दूसरों की परेशानियों में हमेशा डटकर खड़े होते हैं, लेकिन कभी कभी आपको ये बहुत विचलित भी कर देता है, परेशान भी कर देता है, और आप बहुत डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। इस चीज का भी ध्यान रखिए। नंबर 6, आपका दिमाग इतना तेज होता है कि आम आदमी आपको समझ नहीं पाता है। आप जो सोचते हैं शायद वो जीवन में कभी सोच नहीं सकते हैं। आपके दिमाग में जो आइडिया आया है शायद उनके जीवन में वह कभी आइडिया आए ही ना। लेकिन आप गलत लोगों के साथ अपने आइडिया और समय को बिताते हैं, गलत लोगों के साथ बैठ के चाय पीते हैं और अपने अच्छे अच्छे आइडियों को डिस्कस करते हैं। अरे अब भैंस के आगे बीन बजाएंगे तो उसका क्या उत्तर मिलेगा आपको? तो चुनाव करिए उन लोगों का जो आपके लायक हैं, आपके काबिल हैं, आपकी बात को समझ सकते हैं। तो ये चुनाव आप गलत करते हैं जो आपकी सफलता में बाधक होता है। और गधों के सामने समझदारी वाली बातें करेंगे तो गधा उसको मूर्खतापूर्ण ही लेगा, आपको भी कहेगा आप भी मूर्ख हैं। तो बुरा मत मानिएगा मैंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन समझाने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। तो अपनी चीजों को उन्हीं लोगों के सामने बोले जो योग्य हो। अयोग्य लोगों के सामने आप बड़ी बड़ी चीजें, बड़े बड़े आइडियाज, बड़े बड़े प्लानिंग्स बताएंगे, वो तो कहेंगे बेकार है। अब अनपढ़ आदमी के सामने आप किताब खोल दें तो काला अक्षर भैंस बराबर। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ होता है। तो चुनाव जीवन में, चुनाव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी बातें मैंने बताई उसमें कमी है वो है चुनाव की। तो सही चुनाव कर लेंगे तो आपके जीवन में सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी। और आप यकीन मानिए, मैं किसी अगली वीडियो में चर्चा करूंगा कि जो बहुत सारे लोग सफल हैं उसमें से बहुत अच्छे संख्या में लोग कुंभ राशि के जातक या जातिका हैं। तो वो हैं तो आप भी हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं इन कमियों को आप दूर करेंगे, इन कमियों को आप अपने जीवन से दूर करते हुए खुद को सफल बनाते हुए और लोगों की सहायता करेंगे, ताकि आप अच्छे लोगों की सहायता कर सकें और आप भी सफल हो सकें। मेरा उद्देश्य आपको सफल बनाना है और आपकी कमियों को आपको बताना है। अब ध्यान से विचार पूर्वक सोचिएगा, समझिएगा, जो मैंने आपको बातें बताई कि आपके अंदर भी वो बातें हैं, यदि हैं तो सुधारिए, और यदि आप पहले से सुधरे हुए हैं तो निश्चित ही आप सफल महिला पुरुष या व्यक्ति होंगे। तो उम्मीद करता हूं जानकारी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो और लोगों तक भेजिएगा। अन्य राशियों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, और कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कौन सी राशि के बारे में आप इस राशि के बाद जानना चाहते हैं, मैं उस पर अतिशीघ्र वीडियो बनाकर आपके समक्ष पेश करूंगा, ताकि आप लोग सभी कुछ जल्दी जल्दी जान सके। तो खुश रहिए, खुशहाल रहिए, देखते रहिए चैनल को। हरिओम, नमस्कार।